दोस्तों, क्या आप लोग प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हैं? जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करें ओपन करने के लिए, तो यहां इंस्टॉल का ऑप्शन है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करें तो यहां पे अनइंस्टॉल दिस ऐप, यहां इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ओपन नहीं कर पा रहे हैं या आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही, जैसे मेरे इसमें आ रहा है लुकिंग फॉर आधार फेस आरडी, दिस ऐप नॉट वर्क फॉर योर डिवाइस, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसे कैसे ला सकते हैं? या आप लोग इंस्टॉल कर लिए हैं, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप लोग इसे यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले बता दूँ ये क्या है, आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं, या आधार फेस आरडी एप्लीकेशन का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आना है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे दिखा रहा फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी, यहाँ पे ये शो करा, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं कैसे कैसे आपको इसे यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे ये होता है, जैसे आप लोग आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं, अभी आप लोग आधार नंबर से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप लोग फेस के माध्यम से आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ वाले पे टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो कंडीशन रहती है उससे आपको फॉलो करना है, उस हिसाब से आपको फेस को यहाँ पे कैप्चर करवाना है, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप लोग इतना करेंगे, प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे प्लीज ब्लिंक ए कैप्चर, जैसे यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको देखें ब्लिंक करना है, जैसे कैप्चर हो जाएगा ग्रीन शो करेगा, फेस नॉट डेडिकेटेड, जैसे यहाँ डेडिकेटेड नहीं हो रहा तो यहाँ पे रेड आएगा, तो आपको यहाँ पे सही से करना है, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, तो फिर आप लोग इसके माध्यम से आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा। दोस्तों से आप लोग आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ बैक आ जाना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एम आधार, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है, जैसे मैं पहले से ओपन कर लिया हूँ। आपको यहाँ पे अपने नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जैसे मैं लॉगिन कर लिया हूँ तो यहाँ प्रोसेस चल रहा है, वेट करना है, ऐसा पेज ओपन हुआ, जैसे आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लोग आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके यहाँ डाउनलोड आधार, यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ रेगुलर आधार मास्क आधार, जैसे आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर वर्चुअल आईडी या एनरोलमेंट आईडी जिसके जरिए आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, और यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड शो करे इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को इंटर करेंगे तो दोस्तों आप लोग इसके जरिए आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो फेस को ऑप्शन शो करा फेस ऑथेंटिकेशन वाला, दोस्तों वो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा, आप लोग इसके जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है उसके जरिए भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फेस आधार आरडी, यहाँ पे दोस्तों ये भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोग इसके जरिए भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं अपने दूसरे मोबाइल में दिखाया हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल की वजह से होता है, क्योंकि ये इसका एंड्रॉयड कुछ और वर्जन है, इसका कुछ और है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका जैसे ये सपोर्टेड वर्जन होगा तो आप में जैसे मेरे में आ रहा है, इससे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, फिर जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग यहाँ ओपन वाले पे क्लिक करके आप लोग आधार कार्ड को फेस के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे।